भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का महामुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया बुरे तरीके से फंसने के बाद अब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के भरोसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिलहाल भारतीय पारी का 25 ओवरों का खेल हो चुका है और 127 रन भारत ने बोर्ड पर लगा दिए हैं। रन रेट है 5.08 का। एक समय जब विकेट नहीं गिर रहे थे, ऐसे में यहां पर 25वें ओवर में कप्तान बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आए। अफरीदी ने विराट रोहित को आउट कर भारत को भयानक झटके दिए थे, लेकिन यहां पर 25वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या को स्टेप आउट करने की फिराक में थी यहां पर पाकिस्तानी टीम, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट बॉल पर ऐसा जन्नाटेदार शॉट खेला जो कि आज शॉट ऑफ द मैच भी कहला रहा है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं, भारतीय पारी को फिलहाल उन्होंने काफी संभाल कर रखा हुआ है। ये पिच 300-350 की नहीं है, ये पिच कम से कम 200-250 के बीच की है, और अगर भारत 250 रन बोर्ड पर लगा देता है तो पाकिस्तान को एक बड़े संकट में टीम इंडिया डाल सकती है। लेकिन जिस अंदाज से हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला वो वाकई में काबिले तारीफ था। पाकिस्तानी गेंदबाजों की आंखें फटी रह गई। ये शॉट जिस तरीके से खेला जा रहा था, भारतीय टीम काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की तरफ से हुई है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।